पार्टी में बवाल के बीच पंजाब के सीएम चन्नी ने किया बड़ा ऐलान, 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ होगा, रेत माफियाओं के खिलाफ भी जल्द होगी कार्रवाई। पंजाब के सीएम चन्नी बोले, सिद्धू के इस्तीफे से माहौल बिगड़ा, सिद्धू के सवालों पर मिल बैठकर बात करेंगे। सिद्धू ने ट्विटर पर वीडियो संदेश जारी किया। सिद्धू ने कहा, हक और सच की लड़ाई है, ये मेरी निजी लड़ाई है और आखिरी दम तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। सिद्धू ने कहा, मैं हाईकमान को गुमराह नहीं कर सकता, जिंदा हूं तो जिंदा दिखना जरूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट के साथ बैठक में रजिया सुल्ताना और ब्रह्म मोहिंद्रा सीएम की बैठक में नहीं पहुंचे। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में बवाल बढ़ गया है। कांग्रेस के उच्च सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। सिद्धू का इस्तीफा मंजूर भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को जिस दिन पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, उस दिन भी पंजाब के 10 सांसदों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सिद्धू अस्थिर हैं, उनको पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना ठीक नहीं। पंजाब में ताजा संकट पर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है, फिलहाल सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस पार्टी। राज्य के नेताओं को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पंजाब में कांग्रेस के संकट को लेकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा। नकवी ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व म्यूजिकल चेयर्स खेल रहा है पंजाब। सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का बड़ा बयान। मनीष तिवारी ने कहा, पंजाब में कलह से पाकिस्तान में खुशी होती है, पंजाब की अस्थिरता से दूरगामी परिणाम होंगे। कैप्टन अमरिंदर की बात सही साबित हो रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने सिद्धू के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाया। संदीप दीक्षित ने कहा कि संवादहीनता की वजह से पैदा हुआ है संकट। जब किसी व्यक्ति को आप कोई पद देते हैं तो उसकी समझ भी तो होनी चाहिए। पंजाब के गृहमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला लेगी वो उनके साथ खड़े होंगे। पटियाला में सिद्धू से मिलने पंजाब के कई नेता उनके घर पहुंचे। आज सुबह मंत्री प्रगट सिंह ने दोबारा सिद्धू के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में विद्रोह की आवाज। चन्नी सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा, सिद्धू उसूलों के आदमी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं। कई और मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबर। सिद्धू के बाद से पंजाब में इस्तीफों का दौर। पंजाब कांग्रेस के महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने भी इस्तीफा दिया। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी पद छोड़ा। चहल को 7 दिन पहले ही 21 सितंबर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अफसरों की पोस्टिंग में सिद्धू की नहीं चली। बड़े पदों पर सिद्धू की मर्जी के खिलाफ नियुक्ति हुई। अटॉर्नी जनरल और डीजीपी की नियुक्ति में भी सलाह नहीं ली गई। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल बोले, सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल, पहले ही कहा था जिस पर भी गिरेगा तबाह कर देगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा। कहा, सिद्धू दलित विरोधी हैं, एक गरीब मां के बेटे को मुख्यमंत्री बनता देख बर्दाश्त नहीं कर पाए सिद्धू। राघव चड्ढा ने सिद्धू को स्वार्थी इंसान बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। व्यापारियों उद्योगपतियों से मिलेंगे। कल चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। सात अक्टूबर को पीएम मोदी उत्तराखंड जाएंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। धर्मांतरण के आरोपों से घिरे आईएस के बचाव में आया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा, दोहरा रवैया अपनाते हुए धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। 6 साल पुराने वीडियो में अब जांच क्यों की जा रही है।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।